प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं अलग अलग तरह के लोन्स के बारे में इस चैनल में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोन है। तो दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे, अपने देश में, भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छा एजुकेशन तो पाना चाहते हैं पर उनके पास उतना कुछ सुविधा नहीं होता। कि ऐसे हर कोई तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बच्चा MBA करे या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले या फिर BTech करे और उसके पास उतना पैसा भी हो। तो दोस्तों, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। तो ये, जैसे कि आपको पता है कि हायर एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन लोन। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि एजुकेशन लोन क्या है, ये इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं एजुकेशन लोन के ऊपर, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एजुकेशन लोन। तो दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन लोन का एक बहुत खासियत है दोस्तों कि आपको आपका एजुकेशन ख़त्म होने के एक साल तक कोई भी लोन पे करना नहीं पड़ता है। इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आप BTech करना चाहते हैं। मैं BTech का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक BTech स्टूडेंट हूँ। तो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों। तो मान लीजिए आप 2022 से इंजीनियरिंग करना शुरू करते हैं, तो 2022 में आप लोन लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। 2022, 23, 24 और 25, ये 4 साल हो गया दोस्तों। 4 साल के बाद आपका इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26। तो 2026 में दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया। अब 2026 से 2027, एक साल तक दोस्तों आपको कोई भी लोन पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ये एक साल में आप अपना जॉब ढूंढेंगे दोस्तों। तो ऐसे देखा जाए तो आपको 5 साल के तक कोई भी इसका EMI या फिर कोई भी इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी 2021 है, मान लीजिए आप 2022 में इंजीनियरिंग करने की प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स करने की प्लान कर रहे हैं जिसको आपको लोन चाहिए, तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, जैसे कि इंजीनियरिंग का हो गया 4 साल, 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25 और 25 से 26, ये 4 साल का हो गया आपका कोर्स ड्यूरेशन। उसके बाद में और एक एक्स्ट्रा 1 साल, ये एक्स्ट्रा 1 साल आपको इसलिए मिलता है दोस्तों क्योंकि आप बैंक एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप 1 साल के अंदर बिना किसी टेंशन से अच्छा एक जॉब ढूंढ सके दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको आपके कोर्स ड्यूरेशन और उसके बाद भी 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ताकि आप आसानी से एक जॉब ढूंढ सकें बिना किसी टेंशन से, उसके बाद अपना EMI आराम से पे कर सकें दोस्तों। तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। तो आज हम जिस लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो प्रोवाइड किया जाता है SBI बैंक के द्वारा, SBI एजुकेशनल लोन। SBI 3 तरह का लोन प्रोवाइड करता है दोस्तों, चलिए एक एक करके उनको देखते हैं। पहला वाला लोन हो गया दोस्तों SBI एजुकेशन लोन स्कीम, दूसरा हो गया दोस्तों SBI हायर एजुकेशन लोन स्कीम, तीसरा हो गया दोस्तों SBI वोकेशनल एजुकेशन लोन स्कीम। तो SBI के अंदर ये 3 तरह का एजुकेशनल लोन दिया जाता है। तो अगर आप चाह इसके बारे में, इस कोई भी लोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और एक
बहुत ही अच्छी बात है SBI बैंक के द्वारा। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस कोई भी नहीं पड़ता है। प्रोसेसिंग फ़ीस का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पे बैंक में जाते हैं, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए कुछ 1-2%, 3%, 4% का आपको फ़ीस लिया जाता है। तो ये SBI बैंक ज़ीरो कर दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि अगर आप SBI बैंक से एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के डेट में दोस्तों 8.5 से 10.5% का आपको इंटरेस्ट रेट पड़ता है। ये इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ये टाइम टू टाइम, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप प्लीज़ इसको एक बार कंफर्म कर दीजिएगा SBI ऑफिशियल साइट से। फिर अगर आप एक गर्ल हैं और एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक लड़का अगर लोन ले रहा है, उसको 10.5% का इंटरेस्ट अगर पड़ेगा, तो एक लड़की को 10% का इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। 0.5% इंटरेस्ट रेट कम पड़ता है लड़कियों को। फिर कई बार हमारे मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप कॉलेज के जगह पे कहीं पे कोचिंग लेना चाहते हो, तो क्या कोचिंग लेने के लिए भी आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है दोस्तों? जी हाँ, ज़रूर मिलता है दोस्तों। आपको कोचिंग लेने के लिए भी एजुकेशनल लोन मिल सकता है, पर उसका एक कंडीशन है कि आप जिस भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेते हो वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट किसी में लेते हो तो आपको पूरा टोटली प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वो जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप इस लोन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक में एक फॉर्म दिया जाएगा एजुकेशनल लोन के लिए। आप उस लोन को फॉर्म को फिलअप करना होगा दोस्तों। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में आपका एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो एक एफिलिएट कॉलेज होना चाहिए दोस्तों। मतलब वो एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉलेज जो कि एफिलिएटेड नहीं है, तो आपके इसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों आपको एक कॉलेज लेटर चाहिए होगा। कॉलेज लेटर का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो जो कॉलेज है वो आपको लिख के देगा रिटर्न में, जहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा स्टाम्प वगैरह के साथ, कि ये कोर्स करने के लिए आप इतना रुपए चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पे एक बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको कॉलेज से एक लेटर लाना पड़ेगा कि ये कोर्स जो है 4 साल का कोर्स है, और उसके लिए आपको 4 लाख या 5 लाख रुपए का चाहिए, या फिर जितना भी उस कॉलेज का फ़ीस होता है। ये बैंक इसलिए मांगता है दोस्तों क्योंकि बैंक को थोड़ी ना पता है कि आपका कोर्स का फ़ीस कितना है। तो अगर आपका कोर्स के लिए आपको 4 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन क्यों देगा? तो इसीलिए दोस्तों ये वाला एक लेटर चाहिए होता है। फिर आता है दोस्तों अगला पॉइंट, गारंटर। गारंटर का मतलब है दोस्तों, आप जब भी लोन लेते हो तो कोई ना कोई गारंटर चाहिए। कि मान लीजिए आप लोन को पेमेंट नहीं कर सकते हो, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। कि मान लीजिए एक स्टूडेंट लोन लेता है, उसके बाद वह पेमेंट नहीं करता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो एक गारंटर चाहिए। गारंटर पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपका रिलेटिव पेरेंट्स कोई भी हो सकता है। फिर देखते हैं दोस्तों आपका जो भी जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं, तो उनका बैंक स्टेटमेंट, आपका जो भी गारंटर होगा, या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा, या फिर कोई भी बैंक का एक स्टेटमेंट देना चाहिए पड़ता है दोस्तों आपको। तो 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देते हैं, कि ये भी इसलिए देखा जाता है दोस्तों कि आप जो भी आपका गारंटर होगा, या फिर आप जिसके भी नाम पे, या फिर ज्वाइंट अकाउंट से भी अगर आप लोन ले रहे हैं, तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका देखा जाता है दोस्तों। फिर चाहिए दोस्तों आपका गारंटर का डिटेल। गारंटर का डिटेल मतलब जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह वगैरह। तो इतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका एजुकेशन लोन मेरे हिसाब से आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो ये एजुकेशनल लोन का दोस्तों एक ओवरव्यू है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशनल लोन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों क्योंकि मैंने खुद SBI बैंक से एजुकेशनल लोन लिया था, इसलिए मैं SBI बैंक के बारे में बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी दूसरे बैंक के बारे में भी जानना चाहते एजुकेशनल लोन के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर आप हम एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।